अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। और आप सबके मैसेज मिले मुझे, सबके कमेंट्स मिले मुझे, बहुत खुशी हुई। और बस इसी तरह मेरी वीडियोस को लाइक करती रहिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। तो आज मैं शेफ किचन में आपके लिए लाई हूँ खुबानी का मीठा। ये खुबानी है हमारे पास, तकरीबन आधा किलो है, ये मैंने बॉईल कर ली है। इसमें से अभी हमें सीड्स निकालने हैं, उसके बाद में बताऊंगी आपको क्या करना है। और यहाँ हमने पहले इसके लिए कस्टर्ड तैयार करना है। तो ये हमारे पास दूध है 1 किलो, तो हमें इसे बॉईल करना है। और इसके लिए हमारे पास चीनी है, यहाँ पे 1 प्याली से कम है ये चीनी। तो ये चीनी डलेगी कस्टर्ड में, तो जैसे ही ये दूध बॉईल हो जाएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ फिर क्या करना है। कस्टर्ड सेम उसी तरह बनाना है जिस तरह हम बनाते हैं। उसके बाद हमें खुबानी में से सारी सीड्स निकाल के फिर हमें इसको शुगर में अच्छी तरह पकाना है। ये देखिए दूध हमारा बॉईल हो रहा है और इसमें जो हमारे पास 1 प्याली से कम चीनी थी वो हम ये चीनी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दूध हमने बॉयल दूध में से थोड़ा सा निकाल लिया है। ये 4 चमचे हम जो है वैनिला कस्टर्ड के डालेंगे इसमें। ये कस्टर्ड हमारा मिक्स हो गया, अब हम ये दूध में डाल देंगे और चमचा चलाते रहना है हमें। बस ये देखें कस्टर्ड हमारा गाढ़ा होना शुरू हो गया है, ये बबल्स आने शुरू हो गए और ये बिल्कुल अच्छी तरह गाढ़ा हो गया है। और चमचा बिल्कुल चलाते रहना है, बिल्कुल भी नहीं रोकना है, क्योंकि नीचे से लगने लगेगा तो फिर उसमें टेस्ट भी नहीं आता है। और छोड़ेंगे तो फिर वो जो है ना सारी जो ख़राब हो जाता है बिल्कुल, तो इसलिए जो है ना ये देखें ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो हम चूल्हा बंद कर देते हैं और हम दूसरे स्टेप पर आते हैं अपने खुबानी पर। खुबानी में से हमने सीड्स निकाल के उसको फिर हमने अभी पकाना है शुगर में। अच्छा, ये खुबानी की हमने सारी सीड्स निकाल ली हैं, अब इन्हें हम हैंड ब्लेंडर से ग्राइंड करेंगे। ये देखें हमने इसे ब्लेंड कर लिया खुबानियों को। अच्छा, खुबानियों को रात में लाजमी है कि आप भिगो दें ताकि सुबह तक बहुत अच्छी तरह वो फूली हुई होंगी, जिसकी वजह से जो है आराम से सीड्स निकल जाएगी। अच्छा, ये जो खुबानियों का हमारा पानी था ये वापसी हमने इसमें शामिल कर लिया है। और अब जो चीनी है हमारे पास, ये चीनी हमने इसी में डालनी है और अब हमें इन्हें पकाना है अच्छी तरह। अच्छा, चीनी हमारी डल चुकी है और अब ये हम इसे पकाएंगे थोड़ी देर। जैसे ही पानी इसका खुश्क हो जाएगा, खुबानी का पानी, बस फिर हमने इसे चूल्हा बंद कर देना है। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये आप नेक्स्ट स्टेप क्या करना है हमें। अच्छा, ये देखें हमारी व्हिप क्रीम ये रेडी हो रही है और यहाँ पे हमारा कस्टर्ड भी बिल्कुल रेडी है और यहाँ पे खुबानी बिल्कुल रेडी है हमारी। तो जो है अब हम इसकी लेयर बनानी है हमारे को, तो ये हम बनाते हैं इसके लिए। अच्छा, ये देखिए हमारी खुबानी बिल्कुल रेडी है, अब हम इसे लेयर लगाएंगे इसमें। दूसरे मुझे ये आज पाकिस्तानी मिल गई थी खुबानियाँ, तो मैंने बोला चलें फिर तो बहुत ही अच्छा होगा कि ये पाकिस्तानी खुबानी मिल गई मुझे। इस तरह से ये करेंगे, फिर इसके ऊपर हम कस्टर्ड लगाएंगे।
अच्छा अब ये हमने कस्टर्ड लगा चुके हैं, अब हमने क्रीम लगानी है इस पे। खुबानियाँ मेरे पास ज़्यादा थी इसलिए मैंने सारी बॉईल कर ली हैं, और आप उसको रख सकते हैं 2 से 3 महीने भी फ्रीज करके आराम से रख सकते हैं, बाद में जब दिल चाहे आपका उस टाइम टाइम भी कम लगेगा क्योंकि ये बॉईल भी हुई हुई होंगी और फिर सारे सीड्स भी निकले हुए हैं इसमें से, पक्की भी है अच्छी तरह चीनी डाल के, तो बस फिर उसमें सिर्फ कस्टर्ड बनाना होगा और क्रीम चाहिए हमारे को, तो वो नेक्स्ट टाइम अगर बनानी हो तो बहुत ईजी होगी आपके लिए। अच्छा ये देखें बिल्कुल हमारा रेडी है ये खुबानी का मीठा, तो इसमें सबसे नीचे मैंने खुबानी रखी, उसके बाद मैंने कस्टर्ड की लेयर लगाई, उसके बाद मैंने क्रीम की लगाई, तो ये देखें बिल्कुल रेडी है और बहुत मज़ेदार होता है, खट्टा मीठा दोनों टेस्ट होते हैं उसमें, फिर क्रीम का भी अपना टेस्ट होता है, तो बहुत मज़ेदार होता है। तो ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दें, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।